सो जैसे कि कहते नहीं है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर आप कहीं से कॉपी भी कर रहे हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस दैट टेक्निक ऑल अबाउट, व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर, किन किन कामों में यूज होती है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारे कॉलेजेस के पीएचडी के फॉर्म्स भी निकलने लगे हैं। सो इन ऑर्डर टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ शुड यू प्रिपेयर इन ऑर्डर टू गेट इनटू एमफिल ऑफ पीएचडी, टुडे आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट। शी इज मिस शुभांगी वर्मा, शी इज करेंटली परस्यूइंग हर पीएचडी इन फाइनेंस फ्रॉम फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक विद हर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद हर दैट हाउ डिड शी गेट इनटू पीएचडी एट एफआईआईबी व्हिच इज अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट, एंड द सेम टाइम व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी। सो वेलकम शुभांगी टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। And first of all, I would like to congratulate you because recently I came to know that you have published one of your papers in ABDC listed journal. So congratulations. Thank you so much. Now coming to the very first question, I would like to know that how has been your journey? आपकी journey कैसी रही है? What has been your educational qualification, your internship experience, and how did you landed up to FIIB for your PhD program? Prior to FIIB, I was working with Exelerion SRCC as a research assistant. Before that, I had done my master's in commerce from Delhi School of Economics. Before that, I had experience from KPMG in research, and then I did my graduation in economics from Gardi. Wonderful. So I think that's a impeccable journey because बहुत diverse journey है. You had your graduation in economics, then masters in commerce, then you had work experience in KPMG, which is one of the big first. So I think काफी अच्छा practical exposure मिल गया होगा in terms of what research is all about. True. Now that brings me to the next question, that when did you actually decide that you want to get into academia or research, and how did you start? Yeah. So जब मैंने अपनी masters in commerce complete करी, उसके बाद आई वॉज वेरी क्ल्यूलेस दैट वेयर टू गो, और हर कोई एवरी वन वॉज गिविंग नेट जे आर एफ, सो आई लाइक चलो मैं भी देख लेती हूँ देख कर क्या आता है रिजल्ट। सो आई क्लियर्ड माई नेट, आई लाइक चलो अब आगे और देखते हैं। सो देर वॉज दिस एप्लीकेशन ऑन SRCC's पेज अबाउट रिसर्च असिस्टेंस, सो इट्स ओके लेट मी ट्राई टू गो फॉर दिस। आई वेंट देयर, मेरे को बहुत मज़ा आया काम करने में। देर वॉज प्राइमरी डेटा कलेक्शन, डिफरेंट सिटीज़ में गए, वहाँ पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा, देन आके वापस उसकी रिपोर्टिंग करी, लिटरेचर रिव्यू लिखा, बहुत फ़न आया। उसके बाद Exelerion गई, वहाँ पे हमने एक और प्राइमरी डेटा पे काम करा, और वो HR रिलेटेड सब्जेक्ट था तो डोमेन भी डिफरेंट था, बट अगेन वहाँ पे काम करा, LR पे काम करा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करी, पर्सनल इंटरव्यूज ले लो के, बहुत बहुत एक्साइटिंग था, बहुत थ्रिलिंग था कि हाँ आई वांट टू नो व्हाट पीपल वांट, यू नो व्हाट रिसर्च इज गोइंग टू गिव आउट ऑफ इट, आउट ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग, उनकी परसेप्शन का रिजल्ट क्या होगा। सो दैट वाज द मेन एक्साइटिंग पॉइंट फॉर मी, वेयर आई फाउंड कि हाँ ठीक है नाउ आई वांट टू गो फॉर PhD। राइट, सो आई थिंक बहुत ही स्मार्ट मूव है ये कि बिफोर यू गेट इन टू PhD, और रादर आई शुड से बिफोर यू जंप इन टू MPhil ऑफ PhD, यू गेट एन आइडिया दैट व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट। सो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल एलिमेंट टू केटर टू। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जो दिमाग में स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा रहता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वेदर दे वॉन्ट टू डू देयर PhD इन फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और OB एक्सेट्रा, एंड स्पेसिफिकली हाउ टू स्केल इट डाउन टू वन प्रॉपर टॉपिक जिस पे वो बाद में प्रपोजल बना सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर तो आप उसमें काम ही नहीं कर पाओगे कितनी भी कोशिश कर लो। सो येस द फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। सो माई इंटरेस्ट वॉज इन टीचिंग, एंड आई वॉन्टेड टू गो फॉर माई PhD टू बी इन टीचिंग ओनली, कि टीचर्स की परसेप्शन क्या होता है, उनके स्ट्रगल्स क्या होते हैं, उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, एंड देन अदर डोमेन्स ऑफ टीचिंग इटसेल्फ। बट देन वेन आई got into FIIB, I was asked that by my supervisor and the mentor that it should be domain specific, that is it should be either finance, HR, OB, all of it. Why it is important? Because आगे जाके आपने पढ़ाना है लोगों को, एंड टीचिंग इज नो सब्जेक्ट, एंड जितने भी प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं उनमें ये मेन डोमेन्स हैं।
So yes, it's very important that do not go with a general topic. Go with very finance, marketing, very domain specific topic. This should fall in one or the other domain, because I did that mistake. I proposed a topic which was not in any of the domains. Right. So it's very important that you go for a domain. So find out your domain, even if you are from finance background, but you think you like marketing more. Go for marketing. No one will judge you that why you shifted from finance to marketing. Right. So, and then interest. So now when I was asked to change my topic, then I was asked that, okay, now you have to go for finance. And I don't like secondary data at all. Not at all. I love to know what people's perception and beliefs are. So then I told my supervisor that I don't want to go for secondary data. How can I move forward with finance only? So she told me that there is a thing called as behavioral finance, and then there is something called as emotional behavioral finance as well. So there was a psychology part which excited me again. So then I got the solution that yes, even in finance, even in a domain where there is just secondary data, I was able to find something which was related to primary data, which was related to human beings, human investors. So yeah, it's all about interest plus your supervisor's intelligence in it. Yeah. Right. सो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब शुभांगी ने दे दिया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये परसेप्शन रहता है कि अगर हमने फाइनेंस में अपनी मास्टर्स करी है या फाइनेंस को लेके अपनी स्पेशलाइजेशन रखी है मास्टर्स में, तो हम सिर्फ फाइनेंस में पीएचडी कर सकते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो भी टॉपिक आपको लगता है जो आपके इंटरेस्ट का है, जिसमें आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे या ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम कर पाएंगे, एंड ऑफकोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ योर सुपरवाइजर, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. Now my next question to you is that what has been your preparation strategy with respect to your research proposal? क्या क्या तैयारियाँ करी आपने, किन किन sources से तैयारियाँ करी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए. Yeah, so as I shared that मैंने अपना जो proposal दिया था that was in teaching domain. Right. Why teaching domain? Because I was writing a paper on teaching only which just got published. So I was writing a paper on teaching domain itself, that how factors influence the teaching decision making of the teachers. And from there, I got to know that I am really interested in it. So the first thing, so when the research proposal and the layout comes, it says introduction, literature review should be there, methodology should be there, and then what will be the policy implications and all that. But the most important advice to everyone will be, first know the topic. Know the topic in and out so that you can defend your topic. बिकॉज रिसर्च प्रपोजल में जब इंट्रोडक्शन LR आएगा वो लिखा जाएगा, वो बहुत ईजिली लिखा जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे को अपने टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा तो वो जो लिखोगे वो भी बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाएगा. सो पुट ऑल योर हार्ट एंड इमोशंस इन दिस एंड गेट टू नो द टॉपिक. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, दैट नो योर टॉपिक. बिकॉज वेन द इंटरव्यू विल कम ना, दे विल चेक दैट इंट्रोडक्शन लिखा है, मेथोडोलॉजी लिखी है, ठीक है, बट क्या बच्चे को ये नॉलेज है कि वो जो टॉपिक लिखा है उसमें सिर्फ लिखा है या उस टॉपिक को जाना भी है. सो या दैट विल बी माय एडवाइस. एंड रिसोर्सेज एंड सोर्सेज व्हिच आई यूज्ड वर डेटाबेसेस. फॉर एग्जांपल, गूगल स्कॉलर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूज्ड डेटाबेस. एंड फॉर अ पर्सन हु इज जस्ट गिविंग देयर प्रपोजल फॉर पीएचडी, आई थिंक गूगल स्कॉलर विल बी द बेस्ट डेटाबेस टू गो अहेड विद फॉर सर्चिंग द research papers. So what I can understand while in having an interaction with Shubhangi is ki unhone apna pura heart and soul us topic ke andar de diya tha. She identified that what is this topic all about. Wo unko itna zyada pasand aa gaya tha ki unhone properly us pe proposal taiyar kar liya, and then she tried to connect it with finally with an emotion jo unka abhi currently PhD ka topic hai. So I think that was impeccable Shubhangi. Now that brings me to the next question ki aapne proposal ke siway इंटरव्यू के लिए क्या क्या स्पेसिफिक तैयारियां करी थी, व्हाट हैज बीन योर स्ट्रेटजी, या कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए. यस, सो आई जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस फर्स्ट, देन आई विल लिस्ट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. सो व्हेन आई वाज सिटिंग इन द इंटरव्यू, द फर्स्ट माय टॉपिक वाज एजुकेशन 4.0. सो एजुकेशन 4.0 इज बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड ऑल दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म. राइट. So Dr. Sudhir Rana was sitting in the interview panel, and the first question he asked me was, what is 4.0? As in, what is the O in 4.0? And like, oh my God, I don't know answer to this question, and this is my topic, this is my heading. So as I shared, why I shared in the previous question that you should know in and out of your topic is because such questions will be questioned, and then you'll be like, oh, this is the breaking point.
So, you know, again, you will know what is your literature review, who wrote what, but knowing such detailed information will give you an edge over everything. So, yes, know that those edgy wale hot questions basically. Yes, hot questions basically, yeah. Now, the pointers, listing down the pointers for your research interviews is know your topic. Secondly, know the research methodology. So it's very important if you are writing that I will be using SPSS 21.0, then you should know that what is this 21.0, right. Because again, I was questioning this ki that it should not be 21.0, it should be 22.0, because 21 pe ye wala to lagta hi nahi hai. So right. You know, just I'll share my experience again. When I was doing my writing my proposal, I copied that part that okay, research methodology mein agar meko SCM lagana hai, meko is software se lena hai aur isme lena hai. But apparently usme bhi galat likha hua tha. And mujhe nahi pata tha ki usme bhi galat likha hua hai. So yes, agar tum copy bhi kar rahe ho kahin se, be smart enough to know ki wo jo likha hai SPSS 21.0, wo kyun likha hai, is that valid or not? And know the research methodology you are proposing. उसके बारे में थोड़ा inside out पढ़ के जाओ. We have great YouTube channels like Anuj Jindal जो सारी information share करते हैं. So you know, go for such readings and such practical videos. Right. So जैसे कि कहते नहीं है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है. तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर आप कहीं से कॉपी भी कर रहे हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस दैट टेक्निक ऑल अबाउट, व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर, किन किन कामों में यूज होती है. एंड ऑफ कोर्स द व्हाट क्वेश्चन, द व्हाई क्वेश्चन एंड हाउ क्वेश्चन. आई थिंक इन तीन क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर आप लकी हुए तो शायद ना पूछा जाए, बट अगर आप अनलकी हुए तो जैसे शुभांगी के साथ इतने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए इंटरव्यूज में, आई थिंक आपके साथ भी हो सकते हैं. सो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट. Now that brings me to the next question, Shubhangi, कि हमेशा लोगों के दिमाग में एक perception रहता है कि that when we are applying to a particular institute, the institute is the one who is choosing us as a candidate. But I personally feel कि it is a vice versa thing where we also are making a choice in terms of various institutions being available to us. तो क्या ऐसे factors हैं, क्या ऐसे important parameters हैं जो एक student को ध्यान रखने चाहिए before joining a PhD in any institute? Okay. So the first and the most important factor is the faculty. So even if the institute is not that reputable, it is important to have a faculty which is research oriented and has good publications and good journals, because they are the ones who are going to get your publications, and that is like very important part of PhD to get the publications. So you know, for example, I'll again take my experience that when I got into FIIB, my mentors shared that now you have to write good papers in good journals to stand parallel to the extremely top 10 good PhD colleges. So that's very important. That's very important because you know, wo top 10 mein bahut kam log jaate hain, lekin baaki sare colleges mein agar humko same parallel line pe aaye, to that's research publications, and that comes from your faculty. So first is faculty. Second is your research infrastructure. So how many databases are they enrolled to, how many sources they know, for example Harvard ho gaya aapka, Provost ho gaya aapka, ye sab mein kitna enrolled hain, right? Then the infrastructure of the college itself. So for example, now FIA provided us with very beautiful research area, full room for research scholars, and trust me, it helps me a lot to go sit there in एकदम शांति में काम करना है, ऐसे नहीं कि लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ और काम कर लो. नो, इट्स सच अ नाइस एरिया विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड. सो इट गिव्स अस बूस्ट टू, यस, वी हैव टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ रिसर्च बैक टू दैट कॉलेज विच इज प्रोवाइडिंग अस सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. सो या, दीज फ्यू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन रिसर्च इंक्लिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एज वेल. सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ PhD where your main focus is on research, go for an institute which is focusing on research. And if you want to go for a teaching based PhD, then go for an institute which is focused on teaching. So I think Shubhangi has made a very, very valid point
कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेरी रहती है या दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हमने टॉप यूनिवर्सिटीज़ IIMs एंड IITs से PhD नहीं करी है तो हमारी PhD की कोई वैल्यू नहीं है। बट आई थिंक जो अभी अभी शुभांगी ने फैक्टर्स बताए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको ओवरऑल एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, एक ग्रोथ का इन्वायरमेंट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आप खुशी से काम करते हैं एंड आपका PhD का और रिसर्च पब्लिकेशंस का जो आउटकम होता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो आई थिंक इन फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना चाहिए रादर देन लुकिंग एट द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। Now that brings me to the last question, Shubhangi. What is going to be your advice to all those students who are going to be future aspirants or who are going to enroll for PhD? Okay, so first advice would be, which I have shared in previous questions as well. If you are research oriented, go for a college which is high on aspirations in terms of research. If you are not research oriented and you are inclined ki bhai meko aage tak teaching karni hai isliye mujhe PhD ke through karna hai because it's a mandatory requirement, then go for a college which has very bahut chote chote requirements of getting done with PhD. Right, so that's very important because agar aap kisi aise high aspirant college mein ghus gaye jahan pe research mein to bahut aspirations hai ki ABDC journals mein karna hai ya SSCI journals mein karna hai, to it will be very difficult for you to get out of it. Right. So फिर आपको वो या तो बीच में छोड़नी पड़ेगी या फिर कुछ और करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर योर डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च आउटलुक गो फॉर अ कॉलेज जो उसी सेम मैच करे आउटलुक से. राइट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, सिट विद योर सीनियर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस मेनली देयर चैलेंजेस एंड देन डिस्कस योर टॉपिक. सो one thing in research whole community I will say is the peer group. Without the peer group you cannot do anything, right. Because unke saath hi tumhare ko samajh mein, unse tumhare critiques milenge which are very important and don't take them too hard. They are very important, they are the learning points. So sit with your seniors, try to understand what they are suggesting in your topic ki ye pointer yahan pe nahi yahan pe hona chahiye, because they will those pointers even if are harsh will benefit you only. So yeah, sit with your seniors and yes. So third point will again be that know the topic, know the interest and then go into PhD. As I suggested that yes, my topic was changed from my research proposal to, but I'm so happy in my current topic as well. So what made me get into a topic which I like even if it is in finance was the fact that I sat with my seniors, I sat with my supervisor, talked about it, shared my interest with her, she shared her interest with me, and there was this mutual understanding and mutual decision making that yes, now this is something which we both will be comfortable with. So yes, sit with your seniors and understand your interest, their interest, and then move forward. And finally, don't take it way too serious that it hampers your personal life, your social life. It is important to publish, but it should not hamper your health or your personal life. That's very important. Right. So I think बहुत ही अच्छी तरीके से practical example देके अपने experiences के साथ शुभांगी ने बहुत important elements को highlight कर दिया है, which I'm sure is going to be very very helpful to all those aspirants जो भी PhD का form भर रहे हैं या फिर future में PhD के लिए enroll करने वाले हैं. So thank you so much Shubhangi for finding time out of your busy schedule and coming to our channel, talking to our students, and I'm sure they're going to have a wonderful learning experience. Thank you so much for having me. Thank you so much. Thank you.